बिजली महादेव प्लेट किसके लिए लगा रहे हैं, वहाँ पे कोई गांव तो है नहीं, आप लगा रहे हैं बिजली महादेव को टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, वो धार्मिक स्थल है, हम कहते हैं इसको कोई और स्थान पर लगाइए और टूरिज्म प्लेस वो नहीं है। अभी आपने देखा मणिकर्ण में कितना बड़ा हादसा हुआ, मकी बड़ा हुड़दंग किया, बाहर 3 महीने हमारे कटार बंद रहते हैं, हम हरियाणा हैं, हम भी बाहर नहीं जाते 3 महीने, कोई टूरिज्म तो टूरिस्ट तो जाएंगे और वहाँ पर गंदगी जाएंगे तो कौन उसकी जिम्मेदार रहेगी। और ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि मोदी जी का प्रोजेक्ट है, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, मोदी जी ने कभी नहीं कहा ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारा ये, ठीक है, और हमारे लिए हरियाणा के लिए बिजली मासों से पहले है, पार्टियाँ उसके बाद हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि एक डायरेक्ट रोज़गार लोगों के लिए पैदा होगा। तीसरी चीज़ ये है कि जितना भी रोपवे से जो टूरिस्ट सीधा मनाली चला जाता था, मनाली में जमघट लग जाता था, वो लोग यहाँ पे भी रुकने के लिए जो है मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग रोपवे से जाएंगे वापिस टैक्सी से आएंगे, रोपवे से जाएंगे और दूसरे तीसरे स्थानों पे भी जाएंगे। राजनीति तो वो कर रहे हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि वहाँ पर थे इस रजिस्टर में जो है उनके साइन है, दोनों में रोपवे के खिलाफ जो है प्रस्ताव पास हुआ है, मुख्यमंत्री को हमने रजिस्ट्री करके वो कॉपी भेजी हुई है कि रोपवे यहाँ नहीं लगना चाहिए। वो बोल रहे थे कि लोगों को भड़काया गया, किसने भड़काया, हमने तो नहीं भड़काया, हमने तो अपनी बात रखी है, हम भी बाहर नहीं जाते 3 महीने, कोई टूरिज्म टूरिस्ट जाएंगे और वहाँ पर गंदगी जाएंगे तो कौन उसकी जिम्मेदार रहेगी, आप इसको स्थान कोई और जगह टूरिस्ट प्लेस पे स्थान कीजिए, हम स्वागत करते हैं, मगर बिजली महादेव ने माँ को स्पष्ट रूप से आदेश हुए हैं। और ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि मोदी जी का प्रोजेक्ट है, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, मोदी जी ने कभी नहीं कहा ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारा ये, ठीक है, और हमारे लिए हरियाणा के लिए बिजली मासों से पहले पार्टियाँ उसके बाद हैं, हम बिजली बात का समान है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे।